भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने आज सोमवार को उपमंडल के विभिन्न स्थानों पर कोरोना संक्रमित परिवारों के घर जाकर उनसे मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा होम आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में जानकारी साझा की। बता दें कि एसडीएम के साथ प्रशासन के अन्य अधिकारी, पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर तथा स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने क्षेत्र के संक्रमित लोगों से मिलकर उन्हें हर जरूरी सामान पहुंचाने के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं ताकि इन परिवारों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि किसी भी परिवार के सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के प्रति कुछ लोगों द्वारा बेवजह भेदभाव रखा जा रहा है, जिस कारण ऐसे मरीजों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय उपमंडल में लगभग 300 लोग कोरोना संक्रमित हैं। उन सभी लोगों से प्रशासन के अधिकारी मिलकर जहां उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वहीं उनका हर संभव सहयोग भी कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि पिछले 4 दिनों के भीतर वह लगभग 20 होम आइसोलेट मरीजों से मिल चुके हैं तथा उनकी इस मुलाकात से इन लोगों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ अन्य लोगों के मन से भय दूर हुआ है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमित परिवारों के साथ अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम न पाले तथा संकट के इस समय में इन परिवारों के लिए अपने परिवार के सदस्य की तरह मददगार बने। नूरपुर के बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, जो है 70 के आसपास लोग अभी जो शहर के एक्टिव केसेस हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 300 के आसपास सब डिवीजन में लोग पॉजिटिव हैं। मुझे लगातार कॉल्स आ रही हैं और लोगों में भय का माहौल भी है। पड़ोसी खासतौर पर ज़्यादा घबरा रहे हैं और कोविड पॉजिटिव फैमिलीज़ जो हैं उनमें भी कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन थे। तो इसके चलते जो एक सबसे बड़ी बात जो देखने के ये आ रही थी कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, दूध है या इस तरह के लोग जो सामान लेकर कोविड पॉजिटिव के घरों तक आ रहे थे, उनको जो है पड़ोस के लोगों के द्वारा समहाउ उनको रोका जा रहा था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम लोग, मैं पर्सनली जो है कोविड पॉजिटिव के घरों में जा रहा हूँ। ईओ मैडम है, ये भी कंटिन्यूसली जा रही हैं। बीडीओ साहब और पंचायत सेक्रेटरी समस्त लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया और वो लोग गए भी हैं। तहसीलदार नूरपुर हमारे सेक्टर ऑफिसर सारे के सारे कोविड पॉजिटिव लोगों के घरों में जा रहे हैं। लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, उनकी समस्याएं उनका समाधान कर रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे को देखने को ये मिल रहा है कि लोगों का मोरल बूस्ट हो रहा है। प्रशासन कंटिन्यूसली उनके बीच में जा रहा है। हम जो है बताना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए, वो हम खुद फुलफिल कर रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत के प्रधानों के माध्यम से भी इस चीज़ को हम जो है हम इसे फुलफिल कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।